हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मेरा जो आज का वीडियो है वो पर्पल हॉल वीडियो है। पर्पल का मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ था, मैंने कुछ अभी रिसेंट में, तो उसका रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी जो सामान मंगाया हुआ है वो ऐसे बॉक्स में आया हुआ है, और गाइस इन्होंने एक स्टिकर भी लगाया हुआ है कि प्रोडक्ट इनसाइड द बॉक्स आर सैनिटाइज्ड अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस, ऐसे लगाया हुआ है। बट फिर भी मैंने इसको दो दिन के लिए रख दिया था, मैंने इसको नहीं छुआ। दो दिन बाद मैं इसको निकाल रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान मंगाया हुआ था। गाइज, ये है अल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर है। ये बहुत ही अच्छा टोनर है। आप जब मेकअप लगाते हो ना, उससे पहले एक बार अपने चेहरे को टोन करते ही हो, टोन इससे अगर आप यूज़ करते हो ना, ये बहुत ही अच्छा टोनर है। ये देखो, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है ये। मतलब आई थिंक ये मुझे मिला था 125 रुपए में मिला है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ है 20 से 22, तो 2 साल का है, ईज़िली आप ले सकते हो। मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इजीली उसको ले सकते हो। मैं इसका जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइस, अभी जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं इनका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, तब तक आप देख सकते हो मैंने क्या मंगाया हुआ है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई है, ये मैंने टोनर मंगाया है, ग्रीन टी का होता है। पर आपको पता ही है ग्रीन टी जो होती है हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। तो ये था गाइस। सेकंड मैंने ये मंगाया है ब्लू हेवन का, ये है लूज़ पाउडर है ब्लू हेवन का। ये भी बहुत ही अच्छा था, इसके रिव्यूज़ एक्चुअली बहुत अच्छे थे। मैं पहले बनाना पाउडर यूज़ कर रही थी, अब मैंने ये मंगाया है ब्लू हेवन का, सेफियर है, मेकअप ट्रांसलेक्ट पाउडर, ब्यूटी सीक्रेट फोकस। ये देखिए, ये ऐसे करके है पूरा लूज़, ऐसे एक इन्होंने स्पॉन्ज दे रखा है, अंदर इन्होंने ये दे रखा है टू यूज़ रिमूव दिस स्टिकर। जब रिमूव कर, मतलब जब लगाना हो तो रिमूव कर सकते हैं स्टिकर, तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं अभी स्टिकर नहीं निकाल रही हूँ उसका। बहुत ही अच्छा है, लूज़ पाउडर है। लूज़ पाउडर तो वैसे भी हमें अपने मेकअप को बेक करने के लिए चाहिए होता है। ये 125 का है गाइस, और 120 इसकी जनवरी 20 मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, इन्होंने वो नहीं दे रखा इसमें। तो ये है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा होगा क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे पड़े हुए थे उसमें। और मेरा इसमें शेड नेचुरल है, मैंने नेचुरल मंगाया हुआ था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि ये किस तरह का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, ये मैंने NYBay की ब्राउन आईब्रो पेंसिल मंगाई थी। ये भी मैंने अभी खोली नहीं है ब्राउन। एक्चुअली मेरी आईब्रोज़ ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, आप देख सकते हो, और इनकी ग्रोथ भी बहुत है, बस यहाँ पे हल्का सा लाइट शेड होता है, तो मैं इसमें ब्लैक शेड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक होती आईब्रोज, और अगर आप ब्लैक लगाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अलग सी पता चलेगी। तो हमेशा अगर ब्लैक आईब्रो है तो आप ब्राउन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी बहुत लाइट आईब्रो है तब आप ब्लैक पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मुझे कम रेट की मिली थी, मुझे एक्चुअली प्राइस याद नहीं है क्योंकि इस टाइम पे मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स मंगाया हुआ है, तो जो भी होगा वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये NY की है, और ये भी आई थिंक 100-120 की रुपीज़ की, नहीं ये अंडर 100 रुपीज़ की है, आई थिंक 89 रुपीज़ की है या 79 की है, तो ये है। नेक्स्ट मैंने ये NY का काजल पेंसिल मंगाया हुआ है, लॉन्ग आइलैंड डीप इंटेंस कोल आई पेंसिल है ये, 85 रुपीज़ की है। वो पेंसिल 79 की थी, एक मुझे ये याद है, एक 89 की थी, सॉरी एक 85 की थी, एक 75 का था। तो ये जो है ये ब्लैक है, ये मैंने काजल पेंसिल के लिए मंगाया हुआ है NY का। एक्चुअली मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट ना NY का ही मंगाया, क्योंकि NY का प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गई ये मेरी काजल पेंसिल। नेक्स्ट गाइस, ये गुड वाइब्स का मैंने रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम मंगाया है। ये मैं तीसरी बार मंगा रही हूँ, इसका रिव्यू मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, तो इसका जो भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी गाइस, इसकी शेल लाइफ 19 to 21 है,
और 215 रुपए का मिला था, लेकिन गुड वाइब्स पे आपको बहुत सारे ऑफ़र मिल जाएंगे purple.com पर गुड वाइब्स के लिए। तो ये मुझे आई थिंक 180 या 170 रुपीज़ का मिला था, उसमें मुझे ऑफ़र मिला था। अब गाइज ये है NY का प्राइमर, ये देखिए इतना छोटा सा है, कितना प्रिटी सा है, 15 ग्राम है, और ये भी मुझे ऑफ़र चल रहा था NY का, तो ये मुझे 99 रुपीज़ में मिला है। और इसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, NY के सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ब्लेंडिंग लाइका ड्रीम, ब्लेंड्स लाइका ड्रीम, हाइड्रेटिंग इन नेचर, लाइट वेट फॉर्मूला, मिनिमाइज पोर, स्मूथिंग स्किन, परफेक्ट बेस टू अ फ्लॉलेस, ये 99 रुपीज़ का मिला था और ये 15 ग्राम है, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है। गाइस नेक्स्ट ये है मेरा, क्या है ये है न्यूट्रलाइज़र, NY का न्यूट्रलाइज़र मैंने मंगाया था। एक्चुअली ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है, मैं इसको भी ट्राई करके आपको बताऊंगी। इसकी शेल लाइफ है 20 to 22, सारे प्रोडक्ट्स की एक बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो ना तो उसकी शेल लाइफ ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक साल में ख़त्म हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा लगाएं तो एक अलग हो गया, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हमारा एक साल के अंदर नहीं ख़त्म होता है, तो उसकी शेल लाइफ ज़रूर देखा करिए। ये भी मुझे आई थिंक ये 179 रुपीज़ का मिला था शायद, हाँ। तो ये इसका भी मैं आपको बता, मैं जब NY का वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको इसका न्यूट्रलाइज़र का रिव्यू दूंगी कैसा है ये, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम मंगा रही हूँ। एक ये गाइस ये है NY वे का स्किन फिडेंट फ्लॉलेस एज गार्ड सेंट्रल फेस सीरम है, ये मल्टी विटामिन, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास NY का एक सीरम और था, वो भी बहुत अच्छा, वो एजलेस करके था, ये मल्टी विटामिन सीरम है। आप इसको एज अ फेशियल जब आप करते हो ना तब आप यूज़ कर सकते हो। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, लाइटनिंग इंक स्पॉट, इवन टोन स्किन, ठीक है। इसका भी 19 to 22 शेल लाइफ है, ये ऐसी बॉटल में आता है और इसके साथ एक ड्रॉपर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अभी मैंने मेकअप कर रखा है तो मैं आपको लगा कर नहीं दिखा पाऊँगी, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा कर दिखाऊँगी, ड्रॉपर भी बहुत अच्छा सा है। तो ये था मेरा ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज ये क्या है, ये फेसेस क्या, मैंने एक प्राइमर, एक्चुअली ये मुझे 199 में मिल गया था, बहुत एक्सपेंसिव आता फेसेस का, तो ये 199 में मिला था मुझे, तो मैंने इसको ले लिया था। कभी कभी ट्रैवल करो ना तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स नहीं ले जा सकते हो, तो ये फेसेस कनाडा का है, ये 199 में मुझे मिल गया था तो मैंने इसको ले लिया। ये बहुत अच्छा, एक्चुअली इसका ना ये जो फाउंडेशन है ना इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, जब आप इसको लगाओ, इसका भी मैं जब आपको लगा के दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल मैंने नेट्रोजीना का लगाया हुआ है, मैं इसको लगाऊंगी तब आप देखना, ये बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ले सकते हो, वो हाईली रिकमेंडेड है। और ये 18 ml है एंड इसकी शेल लाइफ भी इन्होंने शेल लाइफ दी नहीं है, 20 है और मैन्युफैक्चरिंग डेट, और आई थिंक 2 साल का तो होता है इसका, हाँ 2 साल का होता है इसका, अच्छा है, आप ये ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है, 199 में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट गाइस ये NY की जो है, एक्चुअली ये फाउंड स्टिक्स हैं, ये मैंने मंगाई है फाउंडेशन, कॉन्टोरिंग और कंसीलर, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से हैं, ये एकदम लिपस्टिक के तरह से हैं, ये देखिए ये एकदम लिपस्टिक के शेड में है, ये है गोल्डन, ये गाइस मैंने ये मंगाया था, ये मेरे फाउंडेशन के लिए, मैंने अभी इसको खोला भी नहीं है, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए स्टिक है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये फाउंडेशन के लिए मैंने मंगाया हुआ है, ये देखो ऐसी एक दो स्टिक है, और लिपस्टिक के शेड में इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये था मैंने फाउंडेशन है, एंड ये है, मैं खुद खोल के ही दिखाती हूँ, ये सब मुझे 99 रुपीज़ में मिले हैं, जो तीनों स्टिक हैं 99 इंच है, ये कंसीलर है, और एक मैंने कॉन्टोरिंग के लिए मंगाया है, स्टिक भी इजी होता है कैरी करना,
तो ईज़ली आप कैरी कर सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो आप उसको ईज़ली लगा सकते हो। ये देखिए, ये मैंने कॉन्टोरिंग के लिए, कॉन्टोरिंग हमेशा डार्क शेड से होती है, तो मैंने कॉन्टोरिंग के लिए ये डार्क शेड मंगाया है। गाइस, इसका रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो भी मैंने NY के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं उनका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू, बाय।